सोमवती अमावस्या और गंगा दशहरा बीतने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार संक्रामक रोगों के मुहाने पर पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से हरिद्वार शहर में कूड़ा नहीं उठा है। भयंकर गर्मी और कभी कभी हो रही बारिश की वजह से खुले में रखा कूड़े का ढेर अब सड़ने लगा है। हालात ये हैं कि कूड़े के ढेरों से भयंकर दुर्गंध उठ रही है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेसी मेयर और बीजेपी के बोर्ड वाले नगर निगम में आपसी खींचतान के चलते शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है। उधर सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से जगह जगह लगे कूड़े के ढेर धर्मनगरी का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। कूड़े के साइन की वजह से यहां कभी कोई संक्रामक रोग फैल सकता है। बहुत दिक्कत हो रही है कि बाहर बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, जिसको मना करते हैं वही लड़ने को तैयार हो जाता है। 8 दिन हो गए, 8 दिन से कूड़ा नहीं यहाँ से उठा है, गंदगी बदबू फैल रही, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। छोटे बच्चे होंगे, ये गंदगी पड़ी है बहुत ज्यादा, कूड़े वाले कूड़ा नहीं उठा रही है, बदबू फैल रही है बहुत ज्यादा, बच्चे बीमार पड़ेंगे, क्या होगा। 3 दिन पहले मेला गया है, बिल्कुल कूड़ा नहीं उठ रहा यहाँ से, और कह कह के हम दुखी हो रहे सबसे।